बहनों और भाइयों, आज से 3 वर्ष पूर्व आप लोगों ने, त्रिपुरा के लोगों ने एक नया इतिहास रचा था और पूरे देश को एक बहुत मजबूत संदेश दिया था। दशकों से राज्य के विकास को अवरुद्ध करने वाली नकारात्मक शक्तियों को हटाकर त्रिपुरा के लोगों ने एक नई शुरुआत की थी। जिन बेड़ियों में त्रिपुरा का सामर्थ्य जकड़ा हुआ था, आपने वो बेड़ियां तोड़ दी हैं, वो बेड़ियां टूट चुकी हैं। मुझे संतोष है कि मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से विप्लव देव जी के नेतृत्व में चल रही सरकार अपने संकल्पों को तेजी से सिद्ध कर रही है। साथियों, 2017 में आपने त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन लगाने का फैसला किया। एक इंजन त्रिपुरा में, दूसरा इंजन दिल्ली में, और इस डबल इंजन के फैसले के कारण जो परिणाम निकले, जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो आज आपके सामने है। आज त्रिपुरा पुरानी सरकार के 30 साल और डबल इंजन की 3 साल की सरकार में आए बदलाव को स्पष्ट अनुभव कर रहा है। जहां कमीशन और करप्शन के बिना काम होने मुश्किल थे, वहां आज सरकारी लाभ लोगों के बैंक खाते में डायरेक्ट पहुंच रहा है। जो कर्मचारी समय पर सैलरी पाने के लिए भी परेशान हुआ करते थे, उनको 7वें पे कमीशन के तहत सैलरी मिल रही है। जहां किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनेक मुश्किलें उठानी पड़ती थी, वही पहली बार त्रिपुरा में किसानों से MSP पर खरीद सुनिश्चित हुई। मनरेगा के तहत काम करने वाले साथियों को जहां पहले 135 रुपये मिलते थे, वही अब 205 रुपये प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। जिस त्रिपुरा को हड़ताल कल्चर ने बरसों पीछे कर दिया था, आज वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम कर रहा है। जहां कभी उद्योगों में ताले लगने की नौबत आ गई थी, वहां अब नए उद्योगों, नए निवेश के लिए जगह बन रही है। त्रिपुरा का ट्रेड वॉल्यूम तो बढ़ा ही है, राज्य से होने वाला निर्यात भी करीब करीब 5 गुना तक बढ़ गया है।